नमस्कार, मैं हूँ सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अगर आप रसोई गैस के उपभोक्ता हैं तो आप भी शायद कुछ वक्त से ये समस्या झेल रहे होंगे कि सरकार के LPG सब्सिडी के भेजे गए पैसे आपके खाते में नहीं आ रहे हैं। बताते चले कि LPG के जितने भी उपभोक्ता होते हैं, सरकार की तरफ से उन्हें कुछ सब्सिडी की रकम भेजी जाती है, लेकिन बीते कुछ वक्त से लोग ये लगातार शिकायत कर रहे हैं कि LPG सब्सिडी की जो रकम है वो उनके अकाउंट में नहीं आ रही। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं कि ये रकम ना आने के क्या कारण हो सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि रकम आपके अकाउंट में दोबारा आने लगे तो आपको क्या कदम उठाने होंगे, क्या आप करेंगे ऐसा ताकि वो रकम जो है आपके अकाउंट में वापस नजर आने लगे। अब सबसे पहले आपको बताते चलें कि आपके अकाउंट में LPG सब्सिडी की रकम ना आने का एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, यानी कि आप LPG से इस नाम से लेते हैं, जिन डिटेल्स के आधार पर लेते हैं वो जो डिटेल्स है वो आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक बार इसकी जांच कर लें, और साथ ही साथ आपका जो सब्सिडी अकाउंट है उसे आप अपने आधार नंबर से लिंक कराएं ताकि जो सरकार पैसे भेज रही है वो आपके अकाउंट तक आते चले। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि सरकार उन लोगों को LPG पर सब्सिडी नहीं देती है जिनकी जो आय होती है साल भर की वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। अगर आप पति पत्नी भी हो और अगर दोनों ही वर्किंग है और दोनों की आय मिलाकर साल के 10 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है तो भी सरकार आपको उस परिस्थिति में जो है उस सिचुएशन में सरकार की तरफ से आपको LPG की सब्सिडी नहीं दी जाती। अब चलिए, ये तो बात हो गई कि किस कारणों से हो सकता है कि आपकी LPG सब्सिडी आना बंद हो गई हो या फिर आपकी सब्सिडी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। अब एक अहम सवाल ये होता है कि अगर आपको अपनी सब्सिडी वापस चाहिए, अगर सारे कारण वाजिब होने के बावजूद, आपकी सारी डिटेल सही होने के बावजूद आपको सब्सिडी नहीं दी जा रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप चलिए आपको ये बता देते हैं। LPG आधार लिंकेज की वजह से अगर आपकी सब्सिडी बंद है तो आइए जान लीजिए कि फिर से ये कैसे शुरू हो सकती है, कैसे सब्सिडी फिर से आपके बैंक खाते में आने लगेगी। अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर इंटरनेट ओपन कर लें। अगर फ़ोन से ऑपरेट कर रहे हैं तो ब्राउज़र पर जाएं और www.mylpg.in टाइप करें और इस वेबसाइट को ओपन कर लें। दाईं तरफ गैस कंपनियों के गैस सिलेंडर की फ़ोटो मिलेगी। अपने सर्विस प्रोफाइलर के गैस सिलेंडर की फ़ोटो पर क्लिक करें। अब एक नया विंडो ओपन होगा जो आपके सर्विस प्रोवाइडर का है। अब आप सब उसके सबसे ऊपर दाईं तरफ साइन इन और न्यू यूज़र का ऑप्शन देखेंगे, उस पर क्लिक करें। अगर आपने पहले ही अपनी ID बना रखी है तो आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। ID नहीं है तो आप न्यू यूज़र पर क्लिक करके ज़रूरी जानकारी देकर वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो विंडो ओपन होगी उसमें दाईं तरफ व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री का विकल्प आपको नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपको किस सिलेंडर पर कितनी सब्सिडी दी गई है, कितनी सब्सिडी की राशि कब दी गई है, उसका भी विवरण आप देख पाएंगे। यदि आपने गैस सिलेंडर की बुकिंग की है और आपको सब्सिडी के पैसे नहीं मिले हैं तो आपको फीडबैक वाले बटन पर क्लिक करने की ज़रूरत है। यहाँ से आप सब्सिडी का पैसा नहीं मिलने की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप LPG ID को अभी तक अपने अकाउंट से लिंक नहीं किया है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर ये काम भी कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800233335555 पर कॉल करके इसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं और बैंक अकाउंट में सब्सिडी पैसा नहीं आ रहा है तो आपको ये एक बार ज़रूर चेक करने की ज़रूरत है कि आपका जो LPG कनेक्शन है वो आधार से लिंक है या नहीं। अगर आपने LPG को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आपके खाते में सब्सिडी के पैसे नहीं आएंगे, इसीलिए सबसे पहले अपने LPG को आधार से लिंक करा लें। हाल के दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, इसीलिए सब्सिडी भी बढ़कर 2 गुनी हो गई है। जो पहले 37 रुपये सब्सिडी मिलते थे अब 75 रुपये हो गई है। देश के कई कोने में जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई, ऐसे में 75 रुपये की LPG सब्सिडी लोगों को थोड़ी राहत देती। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप ये समझ पाए होंगे कि अगर आपकी LPG की सब्सिडी नहीं आ रही है तो आप किन कारणों पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आपका जो LPG अकाउंट है अगर वो आधार के साथ लिंक नहीं है तो दोनों को लिंक करा लें, और अगर लिंक होने के बावजूद ये समस्या आप झेल रहे हैं तो अपने ऑपरेटर से संपर्क ज़रूर कर लें। ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।